अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल तोबाफात की लाइफ। और आज हम लोग दरअसल हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग रोज़ कहीं ना कहीं निकल रहे हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं। और मैंने ऑफिस से छुट्टी इसलिए ली क्योंकि मैंने बच्चों के वीकेशन को बेसिकली स्पॉइल नहीं करना था, वरना यह पिछली दफ़ा इन लोगों ने बड़ा किया था बच्चों सुभान ने, क्योंकि बाकी ज़ारा और मोहम्मद तो छोटे हैं कि आपने छुट्टियाँ हमारे को कहीं नहीं लेती है। तो इस वजह इस दफ़ा मैं घर में नहीं टिक रहा बिल्कुल भी, कहीं ना कहीं लेके जा रहा हूँ बच्चों को, तो इस वजह से। सो बस यही था और कुछ नहीं है। बस गाइस आप लोग सपोर्ट करें, और आज मैं आप लोगों से एक और बात भी करूँगा, अभी नहीं कुछ टाइम बात करूँगा, शायद एंड तक देखेगा ज़रूर आप लोग, पता नहीं एंड तक देखते ही नहीं देखते, क्योंकि ज़्यादातर मेरा एंड के अंदर जो है ना बहुत क्यूरियोसिटी में कर रहा होता हूँ, कोशिश कर रहा होता हूँ, और एंड में खुद मसाला मिर्चें भी होती हैं, है ना। जैसे कि अभी हम लोगों ने कल का जो बोर्ड ग्रैंड का था ना, वो मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है उसको, वो इतना बड़ा व्लॉग हो गया था कि मुझे वो दो पार्ट में करना पड़ गया। अब एक पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, एक पार्ट में अभी करूँगा अपलोड। सो बस गाइस साथ चले हमारे, हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं मैंने खुद भी डिसाइड नहीं किया है, लिफ्ट आ गई है हमारे। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं, आपको दिख रहा होगा हम कहाँ आए हैं, हम लोग मूवी देखने आए हैं, यही मूवी देखनी है बेसिकली हम लोगों को, बच्चों के साथ है तो ऊपर मिल जाएंगे, बच्चों के साथ है तो विश मूवी देखनी है, विश। मोमो भाई को भी जगह दो। सो अब हम लोग बस थोड़ा वेट कर रहे हैं, 5:45 पे है अभी, तो बहुत टाइम है ना, स्नैप्स ले सकते हैं हम लोग, वो तो खैर बाहर निकलेंगे तब भी ले सकते हैं। सो मैंने बोला था मुझे पता नहीं कहाँ आएंगे कि हम लोग मूवी देखने आ गए हैं न्यूप्लेक्स, और जो है मैं बोला था मैं आपसे एक बात करूँगा, कमेंट्स आ रहे थे कि देखिए जो है आप लोग जो देखिए हर कोई बहुत मेहनत कर रहा होता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों चाहे देखने वाले जो भी लोग हों, सब अपनी अपनी जगह बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, और हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, हम डेली व्लॉगिंग ज़रूर करते हैं, लेकिन इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं होता डेली व्लॉगिंग का कि हम आपको दिखाएं और हम परेशान करें, दूसरे लोग परेशान हों। तो हम भी सब मेहनत कर रहे होते हैं अपनी अपनी जगह, डेली व्लॉगिंग हम करते हैं, लाजिम आता है जब हम करते हैं तो हमें दिखाना भी होता है। अब हम जहाँ जहाँ जा रहे होते हैं वहाँ वहाँ हम जाते हैं, अब हम अगर कोई हम जैसे कि कुछ दिन से हम लोग अगर कहीं खाना खाने जा रहे हैं या हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या कहीं मूवी देखने जा रहे हैं, तो इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं होता कि हम बहुत कोई लैंडलॉर्ड हैं, बहुत हमारे पास करोड़ों रुपए हैं और हम फालतू के पैसा खर्च करें, नो। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इन पैसों को जमा करने की, मैं भी एक जॉब करता हूँ, नॉर्मली इतनी महंगाई है इस मुल्क में आपको सबको पता है कि मेरी वाइफ भी जॉब कर रही है, अब जब वाइफ जॉब कर रही है तो आप समझ सकते होंगे कि हमारा अपना पूरा नहीं हो रहा होता, हमारे बच्चों की फ़ीस है, अभी मेरी दूसरी बेटी भी स्कूल लगने वाली है, फिर मोहम्मद को भी हमें लगाना है, तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है जो मेरी सैलरी से पूरा नहीं होता। फिर जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं, बच्चों की वेकेशन है तो हम वेकेशन को बर्बाद नहीं कर सकते ना बच्चों की, क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता होता ना कि भाई ये माँ बाप से तो सिर्फ वो बोल ही सकते ना कि हमें ये चाहिए ये खाना है या वो खाना है, तो ये हम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि हम इस चीज़ को पूरा करें, ना कि हम बच्चों को ये बोल दें कि बेटा अभी पैसे नहीं है बाद में देखेंगे, लेकिन जहाँ तक होता है हम वहाँ तक कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि हर चीज़ में हम इग्नोर करते हैं अपने बच्चों को, और हम सिर्फ और सिर्फ लोगों की वजह से जो लोग बातें करते हैं उन लोगों की वजह से हम अपने बच्चों की खुशियां नहीं बर्बाद कर सकते। सॉरी किसी को बुरा लगता है हम कहाँ जाते हैं खाना खाते हैं ये करते हैं वो करते हैं, अगर किसी को बुरा लग रहा है तो लगता रहे मेरी वजह से, तो चार पांच रोटी ज्यादा खा ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ और अपनी मेहनत से खा रहा हूँ, जब मेरे पास रुपया पैसे नहीं थे तब है या और सब्सक्राइबर जो देखने वाले हैं वो लोग अगर बातें बना रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट जैसे आ रहे थे ना, और हम अपने बच्चों की खुशियाँ कहाँ आए जा रहा, अपने बच्चों की खुशियाँ हम बर्बाद नहीं कर सकते लोगों की वजह से, अगर किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे मेरी वजह से, मैं डेली व्लॉगिंग करता रहूँगा। हाँ व्लॉगिंग की वजह से मेरी वाइफ का कहना ये है कि हम लोग जब से व्लॉगिंग कर रहे हैं ना तो हमारे साथ ये होती है कि नज़रें बहुत ज़्यादा लग रही हैं, जैसे कभी मेरे पैर में कुछ हो रहा है या कभी मेरी बीमार, मैं ज़्यादातर इफेक्ट हो रहा हूँ इस चीज़ से, इससे पहले जब वाइफ व्लॉगिंग करती थी ना तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी,
तो उनको ये लगता है, बट मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैं इस नज़र बेशक होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन ये क्या यार, आप अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं और वो लोगों को बुरा लग रहा है। ऐसे तो मैं भी बहुत से यूट्यूबर्स के मैं भी बहुत से लोगों का सब्सक्राइबर हूँ, मैं बहुत से लोगों की वीडियो देखता हूँ। तो इसका मकसद ये है कि वो बीमार हो जाए, वो नज़र लग जाएगी उनको, ये नहीं, माशाल्लाह बोलना चाहिए भाई। अगर कोई खुश है तो उसके लिए माशाल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए इंसान को। बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है बात, लेकिन माशाल्लाह और सुभान अल्लाह ये सारी चीज़ें इसलिए रखी गई हैं अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह कि आप लोगों से खुश हों तो आप कुछ ना कुछ बोलें, ठीक है। सो अगर किसी को बुरा लगे तो आई एम रियली रियली सॉरी, और अगर बहुत ज़्यादा बुरा लगे तो 4-5 रोटी ज़्यादा खा लेगा मेरी तरफ से। बोलो। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दुआ फहद की लाइफ। फहद ने जो कुछ भी कहा ना, ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, बट ये है कि हम लोग वाकई में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। देखो, हम अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते, ये है कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो क्या बोल रहा है? मैं घर पे नहीं होती, नानी बताएंगे क्या बोलना चाह रहा। हाँ तो बैठे ना, अब आपकी है, आप उत्तर वाली शेयर करो। आप कहाँ आए हैं बताए, कहाँ आए हैं? हम लोग आए हैं, क्या बोलते हैं, न्यूप्लेक्स, न्यूप्लेक्स सिनेमा आए हैं। क्या देखना है? विच नहीं, विश, विश। और आप? विश मूवी। क्या? Which? हमारा हमारा पहले प्लान था कि हम लोग हॉरर मूवी देखने जाएंगे, अब हम लोग बच्चे वाली मूवी देखेंगे। मैं तो वैसे भी हॉरर मूवी देखता हूँ। इनका हॉरर मूवी देखनी थी, नन 2 जो आई है ना, नन आई है, नन वो देखनी थी इनको, लेकिन ये बच्चों के साथ हम देख नहीं सकते ना वो मूवी, वैसे भी अलाउ नहीं होता। मैं तो जबरदस्ती देख रहा हूँ ये मूवी, मुझे कोई इतना शौक नहीं है इस मूवी से, लेकिन बच्चों की वजह से देखनी पड़ रही है, क्योंकि फिर बच्चे क्या करेंगे अगर हम। पानी लाना है यहाँ पे, पानी की बोतल पूछ लिया, पानी की बोतल है। शूज उतार रहे हैं, फुल देसी बैठे हैं। सो बस बच्चों को हम लोग यहाँ पे वीडियो के लिए आए हैं, सिनेमा ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ है क्योंकि बहुत पुरानी वीडियो हो गई है, 22 नवंबर को लगी थी, हमें बच्चों को वेकेशंस का वेट कर रहे थे हम लोग। गिर जाओगे बेटा। सो हम लोगों ने मूवी देख ली, बच्चे तंग कर रहे थे थोड़ा बहुत, मोहम्मद ने ज्यादा तंग किया, बाकी सारा भी आ गया बस। हाँ हिम्मत आ गई थी, लोगों इतनी जल्दी हो रही है, लोगों जा रही है। हम लोग कहाँ से निकलो, चलो आ जाओ इधर आ जाओ, अब चल रहे हैं। तस्वीर बनानी है। सो हम लोगों ने मूवी देखी, बच्चों ने तंग किया थोड़ा बहुत, अच्छा हम ये, मैं ये देखने के लिए आया था मूवी बेसिकली, ये वाली
ये वाली मूवी देखनी थी मुझे, बट बच्चे थे साथ आज इस वजह से। ओए होए, हां वी आर गोइंग फ्रॉम हियर। हां आउटसाइड नहीं जाना? यस श्योर, एग्जिट में जाएंगे ना। सुबह सुबह सुभान दिस वे। अच्छा उधर से है ज़्यादा।